एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वांसी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तावी नेचुरल्स उपटन फेस वॉश का रिव्यू एंड डेमो। और इस फेस वॉश को यूज़ करते हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इन प्रोडक्ट के लिए, ये वीडियो के इन पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर इसके पैकेजिंग की, तो इस टाइप सी बॉटल टाइप प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, जिसमें इसकी कैप थोड़ी डिफरेंट पैकेजिंग में आती है, जो इस टाइप से ऑन होती है एंड इस टाइप से ऑफ होती है। और ये प्रोडक्ट ना ऑफ होने के बाद कहीं से भी लीक नहीं करता है, तो आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पे भी लेके जा सकते हैं। ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है, जिसमें इसका प्राइस है 249 रुपीज़ और इसकी क्वान्टिटी 210 ml है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल के लिए, यानी कि आप इसको 2 साल इजीली यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया था, और ये हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग में 150 से 170 अराउंड इजीली मिल जाता है। तो अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हो, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने यूज़ किया, जो स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर मैंशन करूँगी। जो मेन है मैं आपको वो बताती हूँ। इसमें ब्राह्मी, लाल चंदन, सहतूत बार्क, ग्लिसरीन का इसमें यूज़ किया है, जो स्किन पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। लाइक इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है, और अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। इन्होंने तावी के बारे में अलग से कुछ बातें मेंशन की गई है, लाइक तावी जो ब्रांड है वो इंस्पायर्ड है इंडियन ट्रेडिशन से, जो हम अपने स्किन केयर पर अपनी ब्यूटीज़ में यूज़ करते हैं मोस्टली इंडियंस। लाइक उपटन जो हम यूज़ करते हैं, सैंडलवुड, ब्राह्मी, मलबरी, ग्लिसरीन एंड लाल चंदन का जो हम यूज़ करते हैं, जो स्किन को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देता है। और इस फेस वॉश को इन्होंने नेचुरल इंडियन इंग्रेडिएंट से बनाया, तो ये स्किन के लिए सेफ है और ये स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर मॉडर्न इंडिया। तो अब बारी है इसके डेमो की। फेस वॉश करने से पहले आपने अपने चेहरे को गीला कर लेना है, एंड मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल की हेल्प से अपने चेहरे को गीला कर रही हूँ। एंड अब मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आपने फेस वॉश जस्ट इतना ही लेना है। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लेदर कर रहा है। आफ्टर फेस वॉश आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से मेरे फेस को क्लीन किया है। ये फेस वॉश स्किन को डीपली क्लीन करता है। बात करें अगर इसकी कंसिस्टेंसी की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ पे ले रही हूँ, एंड आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का फेस वॉश है। और इसका कलर लेमन येलो टाइप, जो उपटन का कलर आता है सेम उसका कलर वैसा ही है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इसका रिव्यू एंड डेमो। बात करें अगर इस फेस वॉश की, तो तावी उपटन फेस वॉश स्पेशली बनाया गया है नेचुरल सोर्सेज से, जो इंडियन कल्चर में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। और ये प्रोडक्ट SLS एंड पैराबिन फ्री है, तो ये सेफ प्रोडक्ट है, इससे स्किन पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है ये स्किन पर। और ये फेस वॉश उपटन की क्यूटनेस के साथ आता है, जिसके अंदर इन्होंने मलबरी, सैंडलवुड, ब्राह्मी का यूज़ किया गया है, जो डिटेनिंग में हेल्पफुल रहता है, स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, और डीप क्लिनजिंग में भी ये हेल्पफुल रहता है और स्किन को स्मूथ एंड रेडियंट बनाता है। एंड ये प्रोडक्ट SLS एंड पैराबिन फ्री है, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो ये बेस्ट फेस वॉश है आपके लिए, क्योंकि स्किन को डीपली क्लींस करता है, एक्स्ट्रा सीबम एंड ऑयल को कम करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आप जब इस फेस वॉश को यूज़ करेंगे, तो आपको अपनी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी फेस वॉश करने के बाद। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर फेस वॉश करने के बाद आप डायरेक्टली जाके कुछ थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि ये टाइम विंटर्स का है, तो विंटर्स में मोस्टली स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उस टाइम पे स्किन को थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये ड्राई आउट कर रहा है। लेकिन अगर आप समर्स में इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, इससे कोई भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बात करें अगर इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसकी फ्रेग्रेंस ना उपटन काइंड ऑफ इसकी फ्रेग्रेंस है, और काफ़ी हद तक इसकी फ्रेग्रेंस ना
वीको टर्मरिक की जो क्रीम आती है फेस क्रीम, उससे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी हद तक मैच करती है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है। बात करें अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, तो पर्सनली ताविक नेचुरल्स का ही उबटन फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप इससे फेस वॉश करोगे ना तो इंस्टेंटली आपको स्किन पे ब्राइटनिंग इफेक्ट लगता है, क्योंकि स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए वीडियो के इन पे, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे करना लाइक, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जितने वीडियो अपलोड करते रहूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।